बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब लोग? आज है फर्स्ट रमज़ान का फर्स्ट रोज़ा और जुम्मे की नमाज़ पढ़ के मैं भी अभी वापस घर को आया और सुबह से ब्लॉग करने का टाइम ज़्यादा भी नहीं था। सहरी करा, जल्दी जल्दी में सहरी ख़त्म हुई, सो गया। फिर उसके बाद मतलब नमाज़ पढ़ लेके सोया। फिर उसके बाद अब उठा, नमाज़ हो गया, फ्रेश हो गया, अब वापस आया घर को। तो फ़िलहाल अभी बज रहे 2:30। अब मैं घर के थोड़े काम करूँगा और एक चीज़ आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊँगा क्या करने वाला हूँ क्या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो अभी मैं जा रहा हूँ इफ्तार का सौदा लेने के लिए, तो सौदा लेने के लिए जा रहा हूँ, आप लोगों को भी लेके जाता हूँ आज। तो फर्स्ट इफ्तार है आज, तो फर्स्ट इफ्तार का फर्स्ट सौदा लेने के लिए फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। में दही बड़े कुछ तो ही बनाएंगे, खाना पकाना सीखेंगे सोचा। लेकिन आज पहला रोज़ा है तो मैं जाके चूल्हे में अम्मा को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मैं चले जाऊँ नहीं तो अम्मा फिर वीडियो वो स्टार्ट कर देते। तो मैं आज खाना पकाएंगे कुछ करेंगे सोचा, लेकिन पॉसिबल नहीं है ज़रा भी, क्योंकि बोले तो चूल्हे में जाके अम्मा को डिस्टर्ब तो नहीं कर सकता हूँ। पहला इफ्तार है, अगर उन्हें गुस्सा हो गए तो फिर आगे नहीं पकाते, चिड़चिड़ी करते, क्या आके पहले तो खुद पका ले बोल के चले गए तो और परेशानी। तो इसलिए मैं आज खाली फ्रूट्स काट रहा हूँ और आप लोगों को फ्रूट सलाद बना के दिखाता हूँ, जो हर साल मैच बनाता हूँ ऑलमोस्ट, कभी 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 मैच बनाता हूँ वो फ्रूट सलाद। तो आप लोगों को मैं फ्रूट सलाद बना के दिखाता हूँ कैसा बनाता हूँ। सो अभी तो ये तरबूज काट रहा हूँ, हाथ में दर्द रख के भी यहाँ पे लोग सुनने को नहीं है कैमरे के पीछे। ये आदमी जो आप देख रहे हो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये तरबूज काट रहे तो सही है ना शेमा? वो तो है ये? और बंदे को तरबूज कैसा लाना वो भी नहीं मालूम। कैसा लाना? क्या अच्छा लाया ना, लाल तरबूज नहीं है, लाल तरबूज नहीं है बोले तो अब खराब है। अटक गए ना तुम बोलते बोलते, हो गई बात खत्म। खराब है यार। तो हर साल मैच करता हूँ ये जो कैमरे के पीछे है ना, तो रोजे भी नहीं रहती थी। हाँ रह रही हूँ मैं, 15 रोजे रही लास्ट टाइम दो रोजों में, दो बार तो इफ्तार से पहले 5 मिनट पहले रोजे तोड़ लिया। तरबूज दिखता नहीं था, काटते वक्त पे आके अपना हाथ धर के खा लेके निकल जाते थे, उन्हें भूख लगती थी यारो, क्या मालूम तो रोजे तोड़ लेते। बिन सहरी का रोजा नहीं रहता बोलते तुम, रहे ना शेमा दिन सहरी का रहता कहीं को, कब दिन भर रहे, इफ्तार से 10 मिनट पहले रोजा तोड़ लेते। सो नहीं 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 तो खैर आप लोगों को थोड़ी देर से मिलता हूँ। अभी 4:30 छोरे, बहुत टाइम है इफ्तार को, 2 घंटे अभी। और जाम ले लिए, एप्पल जाम कट कर लिए छोटे छोटे पीसेस में, अनार कट कर लिए, अनार हो गया, एप्पल जाम हो गया। एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, वो है अपना क्या बोलते हैं अनन्नास मिसिंग है, लाना भूल गया मैं। खैर कोई नहीं, उसके बिना भी अच्छा दिखता, लेकिन मौज ज़्यादा डालना इसके अंदर सलाद के अंदर। तो फ्रूट सलाद बनाने के लिए लिया 4 to 5 फ्रूट, जिसमें एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा और अंगूर वगैरह ऐसे फ्रूट्स थे, जिसमें मैक्सिमम आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रखना है कि जाम रहे, जाम से काफ़ी टेस्ट एनहांस हो जाता है इसका। एंड ये पूरे फाइनली छोटे छोटे चॉप्ड रहना, और उसके बाद उसके अंदर आप लोग ऐड करना नमक 1 टेबलस्पून, शक्कर 4 to 5 टेबलस्पून्स, और उसके बाद काली मिर्ची 1/2 टेबलस्पून और चाट मसाला 1/2 टेबलस्पून। ये पूरों को में डालने के बाद मिक्स अच्छे से करिए, अच्छे से मिक्स करके इसको फ्रिज में रख दीजिए 15-20 मिनट पहले इफ्तार से, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है ये। और यहाँ तक तो पूरा व्लॉग देख लिया आप लोग, तो इसके आगे आप लोग डू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और कंटिन्यू देखते रहिए मेरे व्लॉग्स, आगे काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। सो के गाइस, बाय। टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।